हरे भरे जंगल हर किसी का मन मोह लेते हैं। घने जंगलों का ये इलाका बीड़ीगिरी रंगना हिल्स कहलाता है, जो कि दक्षिण राज्य कर्नाटक के जिला चामराजनगर का हिस्सा है। समुद्र तल से करीब 3000 फुट की ऊंचाई पर बसी इस जगह पर एक अजीब सी खामोशी है। न तो मंदिर से घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है और न ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है, और अब तो यहाँ सैलानी भी नजर नहीं आते हैं। कारण, लोगों के मन का ये डर कि कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन कहीं आसपास ही है। उसके आतंक के साए में यहाँ के शोलीगा आदिवासी भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पा रहे। एक तरफ तो आतंक का ये माहौल है और दूसरी तरफ है दूर दूर बसे गांव और छितराई आबादी। ऐसे में जब यहाँ के निरक्षरों को साक्षर बनाने की मुहिम की शुरुआत हुई तो कोई आगे नहीं आया। इन बिहड़ जंगलों में रहने वालों को न तो इसकी जरूरत महसूस होती थी और न ही इसमें कोई दिलचस्पी थी। नतीजा ये हुआ कि पढ़ाने की पहली कोशिश सफल नहीं हुई। ऐसे में स्वयंसेवक एक तरह से हताश थे। अरे, अगर पहली कोशिश सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। हो सकता है पहली कोशिश में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई हो, या तो हमारे निरक्षर पढ़ाई के महत्व को समझ नहीं पाए, या फिर हमारे स्वयंसेवक ही निरक्षरों को समझने में कहीं न कहीं कोई भूल कर गए। ऐसा तो होता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, फिर से कोशिश करो, और इस बार कोशिश तन मन और सही तरीके से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, हमारे स्वयं सेवकों को एक बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि वो कोशिश तब तक जारी रखें जब तक कि सफलता उन्हें नहीं मिल जाती, समझे? ऐसे में लीना और ज्योति नाम की दो सहेलियों ने निरक्षर आदिवासियों को मनाने की अपनी कोशिशें एक बार फिर से शुरू कर दी। सबसे पहले लीना और ज्योति ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर पहले यहाँ पर साक्षरता कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू हो पाया। ऐसा क्या था कि यहाँ के लोगों को पढ़ना रास नहीं आया? क्या कारण था कि ये लोग साक्षरता कक्षा में आना नहीं चाहते थे? तब पता लगा कि अपने काम में उलझे इन आदिवासियों के पास दिन में पढ़ने का समय नहीं था। काम छोड़कर वे पढ़ने का सोच भी नहीं सकते थे, तो लीना और ज्योति ने उन्हें रात में पढ़ने के लिए तैयार किया। तो जब इन लोगों की सुविधा अनुसार पढ़ने का कार्यक्रम बना तो लोगों ने भी अपना सहयोग दिया और रात में अक्षर से नाता जोड़ने का सिलसिला शुरू किया। अब ये बात स्वयं सेवकों को समझनी चाहिए। देखो, ऐसी स्थिति में भी लोग पढ़ने तो आ ही रहे हैं ना, और सिर्फ पढ़ाई से तो काम नहीं चलता। पढ़ाई में उन लोगों का मन तो लगने लगा है, लेकिन होता क्या है कि पढ़ाई के बाद वो जैसे जैसे अपने कामकाज की जिंदगी में लौटते हैं तो उन्हें इस पढ़ाई का सीधा सीधा फायदा नजर नहीं आता, और वो दूर के फायदे को समझ नहीं पाते, इसीलिए पढ़ाई से ऊब जाते हैं। और ये बात स्वाभाविक भी है। ऐसा करो, पढ़ाते हुए उनकी छोटी छोटी बातें सुनो, उनके घरेलू दिक्कतों को सुलझाओ। इस ढंग से क्या होगा, तुम उनके करीब पहुंच जाओगे, उनके सुख दुख में काम आओ, वो तुम्हें अपना समझने लगेंगे, और इस ढंग से उन्हें पास बिठा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, है ना? लीना और ज्योति ने ठीक ऐसा ही किया। लीना ने निरक्षरों को किताबी ज्ञान दिया, उन्हें एक एक शब्द का मतलब समझाया और उन्हें हिसाब किताब करना सिखाया, ताकि उन्हें इन सब बातों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े। और ज्योति ने बातों बातों में इन्हें स्वास्थ्य और सेहत के प्रति जागरूक किया।
उन्हें बताया कि हमें साफ पानी पीना चाहिए, नहीं तो कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी बातें इनकी समझ में आसानी से आने लगी और इससे सबों की दिलचस्पी बनी रही। इस तरह की बातों का ही नतीजा है कि जो कृष्णम्मा पहले साक्षरता कक्षा को दूर से निहारा करती थी, धीरे धीरे वो भी कक्षा में आने लगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साक्षर कहलाने के लिए पढ़ रही है, बल्कि ये पढ़ रही है तो इसलिए ताकि जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि स्वयं सेवकों के सहयोग से इन्होंने इस ओर कदम बढ़ाए हैं। जैसा कि नव साक्षर रंगम्मा कहती है कि अब उसे जंगल से इकट्ठा किए गए शहद और दूसरी चीजों की बाजार से ठीक ठीक कीमत मिल जाती है। अब हिसाब किताब के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ता। ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೇಳದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪಾಠ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಪಾಠನ. एक अन्य नवसाक्षर माँ देवी की बात तो इनकी जिंदगी में आए बड़े बदलाव का खुलासा करती है। वे कहती हैं कि स्वयं सेवकों की ज्ञान भरी बातों को सुनने के बाद अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी हैं और जब भी कोई घर में बीमार पड़ता है तो बजाय झाड़ फूंक करवाने के अब उसे अस्पताल ले जाते हैं। फर्स्ट नमगे तुम्बा तोंदरे इत्तु, नीरेल्ला सरियागि सिक्ता इरलिल्ल, मत्ते ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವ್ ವಾಕಿ ಮೇ ಸರಾಹನೀಯ ಹೈ. ಆಖಿರ್ ಇಸ್ಕೆ ಪೀಚೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೋಂಕಿ ದಿನ ರಾತ್ ಕಿ ಮೆಹನತ್ ಜೋ ಲಗಿ ಹೈ. अनुदेशिका लीना बताती है कि ये सब तभी संभव हुआ जब हम उनके घर गए, उनका विश्वास जीता, फिर तो हम इनके परिवार के सदस्य जैसे बन गए और ये हमारा कहना मानने लगे। ಅನಂತರ ನಾವು ತಿನ್ನ ದಿನ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೋತಿ ಕಹತೀ ಹೈ ಕಿ ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಪರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೇನೆ ಕಿ ಬಾತೋಂ ಸೆ ಇನ್ಹೋನೆ ಕಾಫಿ ಕುಚ್ ಸೀಖಾ ಔರ್ ಪಢಾಯಿ ಮೇ ಭಿ ಇನ್ಕಾ ದಿಲ್ ಲಗಾ ರಹಾ. ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಬಂದ್ ಕರೆದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕ್ಲಾಕೋಬಿಡೋರು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಿನ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. अनुदेशकों और निरक्षरों का ये संबंध सिर्फ रात की साक्षरता कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये तो दिन के उजाले में भी नजर आता है। जरूरत पड़ने पर लीना और ज्योति निरक्षरों की कई मुसीबतों में इनके काम आने लगी, उनकी समस्याएं समझने लगी, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर इनके साथ अस्पताल तक भी जाती हैं उनकी मदद के लिए। लीना और ज्योति ने वाकई में बड़ा अच्छा काम किया है और इसके लिए उन्हें कामयाबी भी मिली है, लेकिन मजा तब आता जब ये थोड़ा सा और ध्यान देती। जैसे सेहत और पढ़ाई के बारे में बातें करना ठीक है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये आर्थिक रूप से कमजोर गरीब अनपढ़ों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है भूख। जी हाँ, भूख। इसके लिए ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें नसीब क्या होता है? सिर्फ दो वक्त की रोटी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। आतंकियों के डर से ये जंगल भी नहीं जा पाते आजकल। ऐसे में शहद इकट्ठा करना, मोमबत्ती बनाना, ये सारे काम ठप पड़ गए हैं। अब करें तो क्या करें? इसके लिए इन्हें पढ़ाते हुए थोड़ा सा रोजगार के बारे में समझाओ, जैसे बैग बनाना सिखाओ, कपड़े बुनना सिखाओ। इससे क्या होगा कि तुम इन्हें साक्षर तो बनाओगे ही, लेकिन साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना दोगे, है कि नहीं? देवानगिरी जिले के आजादपुर की स्वयं सेविका बेबी को अपनी साक्षरता कक्षा चलाने में शुरू शुरू में काफी कठिनाई आई, पर जल्दी ही उसने रास्ता निकाल लिया। उसने निरक्षरों से पहले पढ़ने लिखने की बात नहीं की, बल्कि उनको छोटी छोटी चीजें बनाना सिखाया, बैग, झोला और न जाने क्या क्या। इन सब चीजों को निरक्षर महिलाओं ने बड़े चाव से सीखा
और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब बीच में ही पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह स्वयं सेविका अस्मा परवीन की साक्षरता कक्षा में पढ़ाई तो अपनी गति से चलती ही है, साथ ही यहाँ पढ़ने वाली निरक्षर महिलाओं को बैग से लेकर मेज पोश तक कई चीजें बनाना सिखाया जाता है। अस्मा कहती हैं कि ऐसा करने से निरक्षरों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने में काफी मदद मिली है। ये दिल बहलता नहीं है ना, सिर्फ पढ़ने से इनका दिल नहीं बहलता, थोड़ा कुछ इनकी मजदूरी के विषय के लिए काफी महत्व रखता है। यही इनके गीतों की गुनगुनाहट में भी झलकता है। वैसे साक्षरता अभियान चलाने में सिर्फ निरक्षरों की ओर से दिक्कतें नहीं आती, कई बार दिक्कतें आती हैं परिस्थितियों की वजह से, जैसा कि हर स्वयं सेवक जानता है। कर्नाटक के समुद्रीय तटीय जिले मंगलूर की स्वयं सेविकाएं पुष्पलता और उषा एम की साक्षरता क्लास चलाने में मुश्किलें तो बाद में आई, पर पहले उनकी खुद की समस्या थी, जंगली रास्तों को पार कर निरक्षरों के पास कैसे जाएं? यही काम आता है साक्षर कर्मियों का अटल इरादा। जब अपने इरादे पर कायम रहकर पुष्पलता और उषायम ने जंगली रास्तों से गुजरकर गांव वालों के पास जाकर पढ़ने लिखने की बात शुरू की, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस काम को बहुत ही सूझबूझ और सलीके से करना होगा। कारण, इस इलाके की मुस्लिम महिलाएं क्लास में आने को तैयार नहीं थी। सामाजिक प्रथाओं के चलते मुस्लिम महिलाओं का घर की चारदीवारी से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था। कई कई जगह तो औरतें पढ़ने को राजी हुई, इनकी साक्षरता क्लास में भी आई, अक्षर ज्ञान पाने की कोशिश की, पढ़ने की लालसा दिखाई, पर मुस्लिम महिलाओं को पटाना मुश्किल पड़ रहा था। तो इनके सामने चुनौती थी, रूढ़िवादिता से कैसे लड़ा जाए। वास्तव में ये समस्या है तो बड़ी गंभीर। जिनके लिए पर्दे का इतना चलन है, उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल तो होगा। अब उनके लिए तो यहाँ वहाँ जाने पे भी पाबंदी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ बांध कर बैठ जाएं। हर मुश्किल का एक हल होता है। अब इसके लिए उस समाज को इसके लिए तैयार करना होगा, और करना क्या होगा, उस समाज के जितने भी दायरे हैं उन्हें धीरे से तोड़ने की कोशिश करो। उन्हें समझाओ कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया बदल गई है, उन्हें भी अब बदलना होगा। और ये बात किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि बड़े प्यार से समझानी होगी। अच्छा तो ये होगा कि आप उनके बुजुर्गों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि पढ़ना लिखना सिर्फ औरतों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है, और अनपढ़ कोई भी नहीं रहे। इस तरह ये बात सारे समाज में फैल जाएगी और इस बात का काफी असर होगा, है ना? रूढ़िवादिता की चुनौती तो स्वयं सेविका अस्मा परवीन को भी झेलनी पड़ी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम महिला पढ़ने को तैयार नहीं होती थी। पर अस्मा परवीन ने हिम्मत रखी, वो इन महिलाओं से मिलने उनके घर गई, उनकी बात समझी, तब कहीं जाकर आज ये किताबें और कलम थामे हुए हैं। दरअसल जिन भी स्वयं सेवकों ने मुस्लिम महिलाओं तक अपनी पैठ बना ली है, उनके साक्षरता केंद्र पर तो महिलाएं बड़ी संख्या में आने लगी, और जिन सामाजिक वर्जनाओं से वे जकड़ी थी, वे एक एक कर टूटने लगी। पहले तो कहां उनके लिए घर से बाहर निकलना भी गाहे बगाहे होता था, पर अब तो वे हर शाम पढ़ने को जुटने लगी। समय और समझ के इस बदलाव ने उनके चेहरे पर हमेशा पड़ा रहने वाला बुरका भी हटा दिया, और अक्षरों के माध्यम से वे दुनिया को पढ़ने की कोशिश करने लगी। अमीना बीबी इस बात को बेहतर ढंग से बताते हुए कहती हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हम पर बहुत पाबंदी थी, पर अब हम पढ़ सकते हैं। हमें पहले पहले पढ़े नहीं, क्योंकि गरीब आदमी है हम, बाहर आने को गोशा पर्दे में बहुत पाबंदी से रहते, इसलिए हम पढ़ने नहीं आए आ सके। अब इसके बाद हम पढ़ सकते हैं, घर में किताब देंगे तो हम पढ़ सकेंगे।
जाहिर है नव साक्षरों का ये उत्साह स्वयं सेवकों को और प्रेरित करता है आगे बढ़ने को। पर पहले ये उत्साह पैदा करना, उन्हें साक्षरता कक्षा में लाने के लिए प्रेरित करना, यही तो स्वयं सेवकों का काम है। अब कई मुस्लिम बहुल इलाकों में वहाँ के स्वयं सेवकों ने इस तरह की कक्षाएं लगाने शुरू कर दी हैं। हालांकि उनके सामने दिक्कतें तो आई, पर कावेरी जैसी अनुदेशिकाओं के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि उनके हाथों में भी स्लेट पेंसिल और कागज पेन आ गए हैं, जो पहले चूल्हे चौके में ही उलझा रहा करते थे। लेकिन यहाँ इन स्वयं सेवकों को दूसरी उलझन का सामना करना पड़ा। इनकी साक्षरता कक्षाओं में महिलाओं ने तो आना शुरू कर दिया, पर पुरुषों में क्लास में आने की दिलचस्पी वे पैदा नहीं कर पाए। तो समस्या ये आई कि समाज के इस महत्वपूर्ण तबके को कैसे निरक्षर छोड़ दिया जाए। महिलाएं पढ़ लिख भी ली तो साक्षरता की जिंदगी बेहतर बनाने के फायदे समाज में तब तक नहीं दिखेंगे जब तक इसी समाज की नीतियां निर्धारित करने वाले पुरुष साक्षरता अभियान से न जुड़ जाएं। मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाई के लिए तैयार करके वाकई तुम लोगों ने कमाल कर दिया, लेकिन अभी तक एक बात देखने में आई है, साक्षरता कक्षाओं में पुरुष कुछ कम ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष निरक्षर नहीं है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पढ़ाई से कतराते हैं। और एक बात और, पुरुषों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्हें ऐसे समझाओ कि जो लोग काम कर रहे हैं अगर पढ़ लिख लेंगे तो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। जैसे कोई छोटा मोटा रोज़गार करता है तो वो सारे दिन का हिसाब किताब रखने में उन्हें सुविधा होगी, और जो लोग मजदूरी करते हैं अगर वो मजदूरी से जो दिहाड़ी मिलती है उसका हिसाब किताब बराबर रख पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जब तक पुरुषों को साक्षर नहीं बनाओगे तुम्हारा ये साक्षरता अभियान जन आंदोलन नहीं बन पाएगा। साक्षरता आंदोलन जन आंदोलन बने, इसके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ने की जरूरत है। बेंगलोर पूना हाईवे पर पैदल चलता ये कला जत्था कर्नाटक राज्य में चलाए जा रहे राज्य व्यापी साक्षरता कार्यक्रम कन्नड़ नाडू साक्षर नाडू का एक हिस्सा है। गीतों के रूप में साक्षरता की आवाज बुलंद करता ये जत्था जब किसी गाँव या बस्ती में पहुँचता है तो वहाँ उसका भरपूर स्वागत होता है। वहाँ थोड़ी देर ठहरने के बाद ये कारवां फिर चल पड़ता है गांवों की गलियों में। कोशिश यही होती है कि कोई भी घर छूटे नहीं, और हर गली से गुजरने के बाद ये गांव के बीचों बीच इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पहले होता है एक समूह गान। कन्नड़ नाडू साक्षर नाडू, ये जय घोष खत्म होते होते वहाँ बड़ी संख्या में गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इनके सामने बड़े रोचक तरीके से नुक्कड़ नाटक पेश किया जाता है। यहाँ पेश नाटक की बानगी देखिए कि कैसे लोगों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाती है। गांव में जब एक सिद्ध पुरुष यानी कि महात्मा आता है तो गाँव के कई सारे लोग उसके पास आते हैं। कोई कार और टीवी का आशीर्वाद मांगता है तो कोई जमींदार बनने का, और कोई एमएलए बनना चाहता है। लेकिन वहीं गांव का नवयुवक शंकरा महात्मा से पुस्तक और ज्ञान का आशीर्वाद मांगता है। ये देखकर सभी उसे मूर्ख समझते हैं और उसे भला बुरा कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में अंतर साफ नजर आने लगता है। जिन्होंने ज्ञान के बजाय धन और पद को महत्व दिया था वे चापलूसों से घिर जाते हैं।
इस तरह से अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अब की बारी शंकरा की थी। उसने पहले तो सभी को अपनी गलती का एहसास करवाया, फिर उन्हें अक्षर ज्ञान हासिल करने के लिए कहा। आसानी से कही ये बात सभी की समझ में आ जाती है और सभी साक्षरता के रस में डूब जाते हैं। साक्षरता के इस संदेश को गांव वाले बड़े गौर से सुनते और देखते हैं। स्वयं सेवकों की इस मेहनत का निरक्षरों पर कितना असर पड़ता है, ये बात तो नाटक देखने वाले खुद ही बताते हैं। ये कहते हैं कि इस नाटक को देखने के बाद हमारी आंखें खुल गईं, अब हम भी पढ़ेंगे। जी हाँ, यही तो फायदा है इस तरह के कला जत्थे का, जो कदम कदम पर लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है और इसमें स्वयं सेवकों के प्रयासों की एक नई दिशा, एक नई सोच झलकती है, जिसे हर स्वयं सेवक को अपनाने की जरूरत है। ये स्वयं सेवक किसी एक जगह के नहीं हैं, बल्कि कर्नाटक के अलग अलग जिलों से आकर इन्होंने ये टोली बनाई है। इससे जाहिर होता है कि साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए इनका संकल्प कितना मजबूत है। हाँ, कला जत्था होना भी ऐसा ही चाहिए। जैसे निरक्षर धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही कला जत्था के स्वयं सेवकों को धीरे धीरे काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक टोली बना ली, महीना 15 दिन में एकाध कार्यक्रम आयोजित किया और चले गए। इससे असर तो होता है, पर थोड़ा कम। वहीं अगर कला जत्था के स्वयं सेवक निरक्षरों के साथ साथ रहें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, तो इसका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और इसके लिए कला जत्था वालों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल घूमें। ये नहीं कि एक गाड़ी में आए, ढोल ढमाका किया, थोड़ा प्रोग्राम पेश किया और गाड़ी फिर चली गई गाँव से बाहर। इससे गाँव के निरक्षरों में अपनत्व पैदा नहीं होगा। कर्नाटक के स्वयं सेवकों को शायद इस बात का एहसास है, तभी तो देवानगिरी की इस विशाल रैली में राज्य भर के स्वयं सेवक शामिल हुए हैं। ये कोई एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि ये तो राज्य के 4 अलग अलग दिशाओं, पूर्व में बीदर, पश्चिम में गोल गुंबज, दक्षिण में रानी अवक्का और दक्षिण पूर्व में कोलार से पैदल चलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनमें स्वयं सेवक भी हैं, नवसाक्षर भी हैं और बाकी लोग भी। उद्देश्य एक ही है, निरक्षरों में ललक और स्वयं सेवकों में उत्साह पैदा करने के लिए। जब ये रैली अलग अलग रास्तों से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर साक्षरता के रस में डूब गया है। कहीं साक्षरता के नारे बुलंद होते हैं तो कहीं गीतों की लय पर लोग आगे बढ़ते हैं। सड़क पर जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है और इनके स्वागत में छोटा बड़ा कोई भी पीछे नहीं रहता है। इस रैली में अपनी परंपरागत वेशभूषा में शामिल कला जत्था तो अपने लोक नृत्य से 4 चांद लगा देता है। वैसे प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिए नित नए तरीके ढूंढने होंगे, निरक्षरों को अपने कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ने के लिए। वैसे एक तरीका ये भी है कि गांव हो या शहर, गणमान्य व्यक्ति, उच्च अधिकारियों, निगम पार्षद और बड़े बड़े नेता, जितने भी लोग हैं, सबको अपने साथ जोड़ लिया जाए। इससे फायदे ही फायदे हैं। पहाड़ों पर बड़ी खूबसूरती से बसे कोडुगु जिले के लिए साक्षरता अभियान के रास्ते में अपनी ही समस्या थी। अनुदेशिका अस्मत बानो की साक्षरता कक्षा में पहले निरक्षर महिलाएं आती ही नहीं थी, बार बार बुलाने पर भी नहीं आती थी। फिर जब अस्मत बानो स्थानीय पार्षद वीणा प्रकाश के साथ निरक्षरों के घर गई तो इसका बड़ा अच्छा नतीजा देखने को मिला। जो निरक्षर महिलाएं पहले बात समझने को तैयार नहीं थी, वे भी पढ़ने के लिए आगे आने लगी। नतीजा ये था कि आज अस्मत बानो निरक्षरों को बखूबी पढ़ा रही है।
साक्षरता अभियान में स्वयं सेवकों और कलाकारों के साथ साथ बड़े अधिकारियों को शामिल करने का कितना ज्यादा असर होता है उसका अंदाजा यहाँ रैली में मौजूद जन समुदाय को देखकर ही लगाया जा सकता है। इन बड़े अधिकारियों की मौजूदगी जहाँ पुराने स्वयं सेवकों में उत्साह पैदा करती है, वही नए स्वयं सेवक भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से स्वयं सेवकों और अधिकारियों के बीच की दूरी तो मिटती ही है, साथ ही इनके बीच जो एक अनौपचारिक संबंध पनपता है उसका साक्षरता अभियान पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, माहौल तो ऐसा बनना चाहिए कि बड़े अधिकारी सीधा निरक्षरों के बीच जाएं, उनसे बातें करें और पढ़ाई लिखाई में उनकी प्रगति को देखें और उसकी सराहना भी करें। इस तरह का प्रोत्साहन पाकर पढ़ने वाले फूले नहीं समाते और वे ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं। अधिकारियों और साक्षरता अभियान से जुड़े लोगों का ये सामूहिक मेल मिलाप कई तरह की समस्याओं का समाधान भी करा देता है। इससे किसी तरह के असंतोष पनपने की आशंका मिट जाती है। अभियान में लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हमेशा घेरे रहता है। अधिकारियों को भी साक्षरता अभियान की वास्तविकताओं की जानकारी मिल जाती है। ये तो स्वयं सेवकों के लिए यादगार क्षण है जब उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। इतने लोगों के बीच पुरस्कार और वाहवाही पाना सचमुच किसी भी स्वयं सेवक के लिए गर्व की बात है। वाकई में स्वयं सेवक यदि समाज को साक्षरता का बेशकीमती तोहफा देते हैं तो समाज भी उन्हें अपने सर माथों पर बिठा लेता है। फिर तो ढलते शाम के साथ सभी नृत्य संगीत और राग रंग की दुनिया में खो जाते हैं, शायद इसी उम्मीद के साथ कि अंधियारा रात के साथ साथ निरक्षरता का कलंक भी हमारे माथे से मिट जाएगा और कल हमारे सामने एक नई सुबह होगी साक्षरता की रोशनी लिए।